लीलाधर अहिरवार ने भोपाल आगमन पर मीडिया से चर्चा की। मैं लीलाधर अहिरवार हूं, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मचारी अधिकारी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं, साथ में जनावज मंच का भी अध्यक्ष हूं। अहिरवार जी, ये बताएं, मीडिया ये जानना चाह रही, काफ़ी लंबे अरसे से आपकी और आपके साथियों की मांग है मध्य प्रदेश सरकार से कि हमारी मांगें पूरी की जाएं। आज दिनांक तक सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, मानसून सत्र भी अभी आने वाला है, तो क्या विधायक से किसी से आपने विधानसभा में कोई क्वेश्चन उठाया है और नहीं करा तो क्या अपेक्षाएं करते हैं आप सरकार से? माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार हम लोग 2013 से मांगे करते आ रहे हैं, चूँकि मांगे तो हमारी 2003 के बाद से जैसी सरकार बनी थी तभी से शुरू हो गई थी अलग अलग माध्यमों से। अभी 2018 में हम लोगों ने इस संबंध में काफ़ी स्तर पर संघर्ष करने का प्रयास किया सारे संगठनों ने मिलकर, और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने अपेक्षा की, सकारात्मक उनकी तरफ से परिणाम आए, संविदा नीति भी बनाई गई, और अभी भी अपेक्षा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम संविदा कर्मचारियों अन्य कर्मचारियों के भले के लिए रास्ते तैयार करेंगे और हम सभी का भला करने काम करेंगे। आने वाला जो सत्र है मानसून सत्र है, क्या किसी विधायक के माध्यम से आपने विधानसभा में कोई क्वेश्चन वगैरह भी लगवाने की कोशिश? मध्य प्रदेश के विभिन्न विधायक हैं जो सत्ता पक्ष के भी हैं, कुछ विपक्ष के माननीय विधायक गण भी हैं, उन सभी ने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है और प्रश्नकाल रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कब तक संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करेंगे। तो हमारी भी अपेक्षा है माननीय मुख्यमंत्री जी से सकारात्मक रूप से कि हम सबका भी भला करें और हमारे समस्त संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम करेंगे, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपेक्षा। क्या लगता है आपको कि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक आने वाला है, इसमें भी यदि सरकार नहीं सुनेंगी तो क्या कोर्ट का भी रुख अपनाने का है? ऐसा कोई रुख नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हम सभी निरंतर अपनी बात रखते रहे हैं और रखते जाएंगे, और अगर मान लो मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते हैं तो कुछ ना कुछ स्वरूप में हम लोग जाके उनके पास अपना आवेदन देंगे, निवेदन देंगे, और नहीं होगा तो सामूहिक रूप से भी हम लोग संघर्ष का रास्ता तैयार करेंगे। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप सरकार को? मैं समस्त पत्रकार साथियों को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबने इस विषय को ध्यान आकर्षित किया, और आप सभी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं यही संदेश और निवेदन करना चाहता हूँ कि संविदा कर्मी सबसे पीड़ित कर्मचारी है, उसके पीड़ित वर्ग की आवाज़ को सुनते हुए शीघ्र अतिशीघ्र हम समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लेंगे, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है। संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आप सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस अपील की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। धन्यवाद।